देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लॉकडाउन में उन गरीब बच्चों के लिए बना रहे हैं और उन बच्चों के लिए जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि गर्मियों में भी मेहनत करना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो है 9th का 2.4 Chapter 2 का 2.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। फैक्टराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन? फैक्टर इन अरिथमेटिक की बात करते हैं, जैसे 8 है तो इसका 4 2 8 भी होता है और 2 2 4 2 8 ये भी दोनों ही फैक्टर्स। अब फैक्टर क्या है? फैक्टर वो चीज़ होते हैं कि जो फैक्टर की इससे पूरी तरीके से ये वाले नंबर डिवाइड हो जाए। तो 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता तो फैक्टर को सेटिस्फाई नहीं करता है। फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टू, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दोनों फैक्टर हुए। जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से 0 आएगा। अब फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल 2 मेथड होते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मीन्स फॉर द पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ 2 डिग्री के लिए हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। इससे ज़्यादा मीन्स एक्स स्क्वायर होगा तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 2। मतलब जो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे इसमें जो नंबर ऑफ जो फैक्टर होगा 2 होगा। आप देखिए नोट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। अगर डिग्री, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक्स 3 प्लस 4 एक्स प्लस 5 हो, तो इसकी जो डिग्री जो फैक्टर अगर होगा भी ये, तो इसकी जो फैक्टर होगा ये 3 फैक्टर्स होंगे। कितने? 3 फैक्टर्स होंगे। अगर x पावर 10 होगा तो इसके जो फैक्टर्स होंगे 10 होंगे, x पावर 12 होगा तो इसके फैक्टर 12 होगा। मीन्स इट इज द डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ डिग्री। आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो पी और क्यू, पी क्यू ऐड करेंगे तो बी के बराबर होना चाहिए और पी क्यू की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब दूसरा मेथड बाय यूजिंग द फैक्टर्स थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फॉर द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड अबव, अगर 2 या 2 से अधिक हो तो हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। व्हेन एफ ए मीन्स जो फैक्टर होगा 0 होगा, देन द एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल सेट एक्स। मतलब अगर कोई एक्स की वैल्यू है, इस पर पुट करते हो एक्स बराबर 0 आता है, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, तो वह ऑलरेडी क्या है, वह उसका फैक्टर है। नोट द कोफिशियंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री शुड बी 1। तो जो कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट डिग्री हो जो फैक्टर का, वो 1 होना चाहिए। आप देखिए एफ एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या पॉलीनोमियल इक्वेशन है। मतलब इसमें क्या करेंगे कि फैक्टर क्या होता है। आई होप यू आर लाइक माई वीडियोज।